दोस्तों सावन का मास चल रहा है और शिव भगवान की हम पूजा भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको बेल पत्र दिखाई देता है, बेल पत्र का देखना कैसा रहता है, आज के वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं बेल पत्र आपको किस किस प्रकार से दिख रहा है। जैसे कि दोस्तों बेल पत्र को आप तोड़ रहे हैं, बेल पत्र आप खा रहे हैं, बेल पत्र को आप वो शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो ये सपने कैसे आपको फल देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इसमें हम आपको सारा बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, बेल पत्र एक ठंडा जो है वो है ठंडाई देने के लिए। अगर आप बेल पत्र का सेवन भी करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियोस, और उनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। चढ़ाने के अलावा शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं, और आपको सपने में किस तरीके से बेल पत्र दिखाई दिया ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको बेल पत्र देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बेल पत्र का पेड़ देख रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ है। और दोस्तों अगर आप बेल पत्र को दोस्तों आप तोड़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए शुभ है। और दोस्तों अगर बेल पत्र आप खरीद रहे हैं किसी भी जगह से तो दोस्तों ये भी आपके लिए शुभ है। इन तीनों ही सपनों के दोस्तों आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी, करियर में मन वांछित फल मिलेगा। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे तो दोस्तों आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और दोस्तों अगर आप बेलपत्र को बेच रहे हैं या फेंक रहे हैं तो ये दोस्तों आपके लिए शुभ सपना नहीं है। इससे दोस्तों आपको अपना एक तो चिंता बहुत करते हैं तो उसमें आपको रिलैक्स करना है, अपने मन को शांत करना है, उसके लिए आपको ध्यान करना है। और दोस्तों अगर आपको ये सुबह के समय सपने आते हैं तो दोस्तों इनका विशेष फल आपको मिलता है। और अगर आप भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, शिवलिंग को मानते हैं तो आपको बेलपत्र देखना एक अच्छा सपना माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि एक शुभ परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।